75তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে নদিয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া কৃষ্ণগঞ্জ থানায় সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে এক বিশেষ বৈঠকে বসলেন কৃষ্ণগঞ্জ থানার সাথে বিএসএফ আধিকারিকরা। মূলত ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর অনুপ্রবেশ থেকে শুরু করে চোরাচালান সমস্ত কিছু নিয়ে অত্যন্ত তৎপর সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে কৃষ্ণনগর পুলিশ ডিস্ট্রিক্টের কৃষ্ণগঞ্জ থানা। তাই কাটাতাল লাগোয়া বিভিন্ন গ্রামসহ সীমান্তবর্তী এলাকা সুরক্ষিত রাখতে কৃষ্ণগঞ্জ থানার সাথে বিএসএফের এই বৈঠক। সেই সাথে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে সীমান্ত যাতে সুরক্ষিত থাকে তা উঠে আসে এই দিনের বৈঠকে। पिजर भी हो सकता है, चांदपुर मोड़ है और ये बानपुर वाला जो होता है ना, केदे मोड़ है बानपुर में, हाँ है ना, अब तो चलता है ना, जो वो एक रास्ता जाता है जो गोविंदपुर के साइड में, वहाँ पर सर ये जो हाँ तीन तीन मोहल्ले तीन, हाँ हाँ सर, तीन चांदपुर मोड़, चांदपुर मोड़ है, वहाँ पर अगर आप लोग परमानेंट नाका लगाएं सर तो मेरा सजेस्ट है कि वहाँ काफ़ी अचीवमेंट हो सकता है, क्योंकि वहाँ से लगभग जो भी आते हैं वहाँ से होकर ही मतलब हमारे तरफ आते हैं, या गोविंदपाड़ा हो गया, दूसरा एसी वो भी छुट्टी में है, नहीं तो वो भी आते, तो आज सैनिक सम्मेलन चल रहा है गेदे में, इसलिए थोड़ा कम है मौज भी, तो मैं अभी इस सिलसिले में आप लोगों का कोई भी इनपुट है, कोई इंफॉर्मेशन है तो हमारा सब शेयर कर सकते हैं, एक एक करके बताएंगे कोई इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, अब सब सब ठीक ठाक चल रहा है क्या, हमारा कोई मदद लाएंगे हमारी क्या, इसलिए हम एक मीटिंग बुलाया है। जो कि हल्दरपाड़ा जो कि लगभग 6.6 किलोमीटर का इलाका पड़ता है, उस इलाके में लगभग रोज ही मूवमेंट हो रहा है, रोज हमारा जो फेंसिंग एरिया है उसको काटने की कोशिश किया जा रहा है, और उससे जो है कैटल का क्रॉसिंग कराने का वो हो रहा है, पिंजर भी हो सकता है, चांदपुर मोड़ है और ये बानपुर वाला जो होता है ना, केदे मोड़ है बानपुर में, हाँ है ना, अब तो चलता है ना, जो वो एक रास्ता जाता है जो गोविंदपुर के साइड में, वहाँ पर सर ये जो हाँ तीन तीन मोहल्ले तीन, हाँ हाँ सर, तीन थोड़ा वो किया जाए कि टाइम से हमारा काम यहाँ वाला कर दिया जाए, जैसे FIR हम लोग कराने आते हैं तो उसमें थोड़ा जल्दी अगर हो जाए तो बेटर रहेगा, और बाकी